सो गाइस आईपीएल 2021 की नीलामी होने वाली है और गाइस आज के इस वीडियो में बात होने वाली है आईपीएल 2021 के नीलामी में आखिर वो कौन से 10 खिलाड़ी रहने वाले हैं जिनके पीछे चेन्नई सुपर किंग की टीम बोली लगाती हुई नजर आने वाली है। और गाइस आप लोगों का सबसे ज्यादा डिमांडेबल वीडियो था कि भाई आप ऐसी टीम बनाइए कि जो 10 खिलाड़ी रहने वाले हैं नीलामी में जिनके पीछे चेन्नई सुपर किंग की टीम बोली लगाती हुई नजर आने वाली है। सो गाइस आ चुकी है आपकी वीडियो जिसको आपको था काफी दिनों से इंतजार। सो गाइस बताने वाला हूँ कि आखिर वो कौन से 10 खिलाड़ी रहने वाले हैं जिनके पीछे चेन्नई सुपर किंग बोली लगाती हुई नजर आने वाली है, खासकर फॉरेन प्लेयर्स। तो सारी गाइस बहुत ही डिटेल वीडियो रहने वाली है, हमेशा तरह एंड तक देखिएगा। और गाइस आपकी अगर कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो है, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी वीडियो अगर आईपीएल 2021 के नीलामी से रिलेटेड रहे तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, अगली वीडियो हो सकता है आपकी मैं बना दूं। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पहले खिलाड़ी के नाम के जिनके पीछे चेन्नई सुपर किंग की टीम बोली लगाती हुई नजर आने वाली होगा। इस फॉरेन प्लेयर का नाम है डेविड मलान। हाँ गाइस डेविड मलान, आप काफी दिनों से आप लोग कह रहे थे, मेरे कमेंट सेक्शन में लगातार भरे पड़े थे कि डेविड मलान को चेन्नई सुपर किंग की टीम लेने वाली है। आप बिल्कुल सही थे, डेविड मलान इस साल चेन्नई सुपर किंग की टीम में आने वाले। गाइस चेन्नई सुपर किंग 100% कंफर्म है कि डेविड मलान के पीछे बोली लगाती हुई नजर आने वाली होगा। डेविड मलान के पीछे बोली लगाने के सबसे बड़े कारण यह है कि चेन्नई सुपर किंग को सख्त जरूरत है एक ऐसे विदेशी बल्लेबाज की जो कि लेफ्ट हैंडर हो और खासकर मिडिल ऑर्डर में आके काफी ताबड़तोड़ पारी खेलता होगा। वही भी हम बात करें डेविड मलान की तो इंग्लैंड क्रिकेट से खेलते हैं और गाइस ये मिडिल ऑर्डर में काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, इंग्लैंड को लगातार एक से बढ़ के एक शुरुआत मतलब जो मिलती है उसकी बेस काफी ज्यादा और मजबूत बना देते हैं डेविड मलान। और सेम टू सेम यही चीज चेन्नई सुपर किंग को आईपीएल 2021 की में जरूरत है और गाइस इसी वजह से ये डेविड मलान के पीछे 100% कंफर्म है कि बोली लगाते हुए नजर आने वाले। तो गाइस फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे विदेशी खिलाड़ी के नाम की जिसके पीछे चेन्नई सुपर किंग बोली लगाती हुई नजर आने वाली। और गाइस इस खिलाड़ी का नाम है एनरिक नॉर्किया। गाइस अगर मैं बात करूं एनरिक नॉर्किया की तो एनरिक नॉर्किया इस साल काफी ज्यादा ऐसे नीलामी में एक ऐसे खिलाड़ी बन के आने वाले हैं जिनके पीछे काफी ज्यादा टीमें जाने वाली है और गाइस उस खिलाड़ी के पीछे चेन्नई सुपर किंग भी जाने वाली है। क्योंकि गाइस एनरिक नॉर्किया की अगर हम बात करें तो एनरिक नॉर्किया के पीछे जाने के काफी ज्यादा कारण भी है। सबसे पहला कारण चेन्नई का ये है कि चेन्नई सुपर किंग के टीम को सख्त जरूरत है एक ऐसे खिलाड़ी की जो कि कम से कम 140 के ऊपर गेंदबाजी करता हो। क्योंकि गाइस अगर आप इनका पूरा स्कोर उठा के आप देखेंगे तो कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो कि काफी तेज रफ्तार से गेंदबाजी करता हो, सब स्विंग गेंदबाज इनके टीम में पड़े हुए हैं और गाइस इसी वजह से चेन्नई सुपर किंग को सख्त जरूरत है एक ऐसे खिलाड़ी की जिसके पास पेस हो और 140-145 के लगभग गेंद फेंकता हो। और गाइस इस कैटेगरी में अगर हम बात करें तो एनरिक नॉर्किया काफी ज्यादा फिट बैठते हैं और गाइस इसी वजह से दूसरे खिलाड़ी जो रहने वाले हैं जिनके पीछे चेन्नई सुपर किंग की टीम वही लगाती हुई नजर आने वाली है गाइस उस खिलाड़ी का नाम है एनरिक नॉर्किया। गाइस फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं तीसरे खिलाड़ी के नाम की जिनके पीछे चेन्नई सुपर किंग वही लगाती हुई नजर आने वाली होगा। इस विदेशी खिलाड़ी का नाम है मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क की अगर हम बात करें तो मिचेल स्टार्क आप सभी लोगों को मालूम है कि इस साल के आईपीएल 2021 के नीलामी में आने वाले हैं, अपना नाम देने वाले हैं। और गाइस अगर मिचेल स्टार्क की अगर हम बात करें तो ये इंडियन कंडीशंस पे ऐसा हो सकता है कि ये काफी ज्यादा असरदार हो। गाइस इसे देखते हुए इसे मद्देनजर रखते हुए काफी ज्यादा टीमें रहने वाली है जो कि मिचेल स्टार्क के पीछे बोली लगाने वाली है। गाइस चेन्नई सुपर किंग भी एक ऐसी टीम रहने वाली है जो कि मिचेल स्टार्क के पीछे बोली लगा सकती है। क्योंकि गाइस यहां पे भी एक कंडीशन अप्लाई होता है, अगर चेन्नई सुपर किंग को एनरिक नॉर्किया मिल जाते हैं तो ये मिचेल स्टार्क के पीछे बोली नहीं लगाएंगे। और गाइस अगर बाई चांस अगर एनरिक नॉर्किया नहीं मिल पाते हैं तो ये मिचेल स्टार के पीछे बोली लगाने वाले हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि मिचेल स्टार के पीछे काफी ज्यादा टीमें जाने वाली है, काफी ज्यादा टीमें रहने वाली हैं जो कि मिचेल स्टार के पीछे बोली लगाने वाली है। और गाइस अगर चेन्नई सुपर किंग की टीम को अगर चाहिए एनरिक नॉर्किया तो इन्हें कम से कम 10 से लेकर 15 करोड़ रुपए इनके पीछे लुटाने पड़ेंगे। और गाइस ऐसे मैं बता दूं कि चेन्नई सुपर किंग के पास पैसे भी रहने वाले हैं क्योंकि ये जाधव को रिलीव करने वाले हैं, चावला को रिलीव करने वाले हैं और ये दो खिलाड़ी जब रिलीव हो जाएंगे तो 14 करोड़ रुपए इनके फंड में ऐड हो जाएंगे। और गाइस वहां पे अगर हम बात करें तो ये मिचेल स्टार्क को अपनी टीम में आसानी से शामिल कर सकते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं अगले खिलाड़ी के नाम की जिसके पीछे चेन्नई सुपर किंग बोली लगाती हुई नजर आने वाली। और गाइस यहां पे दो खिलाड़ी दावेदार हैं गाइस, उस खिलाड़ी का नाम है क्रिस गेल या फिर क्रिसलिन। हाँ गाइस ये दो खिलाड़ी रहने वाले हैं जिनके पीछे इनमें से किसी एक खिलाड़ी के पीछे जाने वाली है चेन्नई सुपर किंग की टीम। तो गाइस अगर मैं बात करूँ क्रिस गेल की तो क्रिस गेल इस साल रिलीज होने वाले हैं और क्रिस गेल के लेने के कारण भी ये है कि क्रिस गेल अगले दो आईपीएल ऐसा हो सकता है कि खेलते हुए नजर आए। क्योंकि गाइस आईपीएल में क्रिस गेल का काफी अच्छा बल्ला चलता है, चेन्नई सुपर किंग इनके पीछे दाव खेल सकती है। गाइस क्रिस गेल ज्यादा महंगे भी नहीं मिलने वाले हैं, इन्हें 3 से लेकर 4 से लेकर 5 करोड़ यानी 3 से लेकर 5 करोड़ के बीच में चेन्नई सुपर किंग की टीम को मिल जाएंगे। और गाइस वही अगर हम क्रिसलिन की बात करें
तो क्रिस लिन का भी यही एवरेज यही रहने वाला है जो कि इतने पैसे मिल जाएंगे। लेकिन गाइस अगर ये क्रिस गेल को अपनी टीम में लेंगे तो एक विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पे ये काफी ज्यादा अच्छा इनिंग खेल के दे सकते हैं चेन्नई सुपर किंग को। वही काम क्रिस लिन भी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर गेल की हम बात करें तो गेल एक अलग इम्पैक्ट छोड़ते हैं। गाइस ऐसा हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग अगर 2 साल के लिए गेल को अगर अपनी टीम में रख लेती है तो गेल अगर एक बार अच्छे फॉर्म में आ जाएंगे तो ये चेन्नई सुपर किंग को एक ट्रॉफी दिला देंगे। और इसी वजह से क्रिस गेल एक ऐसे खिलाड़ी रहने वाले हैं जिनके पीछे हो सकता है चेन्नई सुपर किंग की टीम वही लगाते हुए नजर आ सकती है। गाइस फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं अगले विदेशी खिलाड़ी के नाम के जिसके पीछे चेन्नई सुपर किंग की टीम वही लगाते हुए नजर आने वाली होगा। इस खिलाड़ी का नाम है मुजीबुर रहमान। अगर मुजीबुर रहमान की अगर हम बात करें तो ये इस बार काफी अच्छे पैकेज बन के आने वाले हैं। लेकिन गाइस सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि मुजीबुर रहमान के पीछे काफी ज्यादा टीमें बोली नहीं लगाने वाली होगा। चेपॉक स्टेडियम में अगर चेन्नई सुपर किंग को एक अच्छे बॉलर की जरूरत है, एक विदेशी अच्छे गेंदबाज को अगर ये ढूंढ रहे हैं तो ये मुजीबुर रहमान के पीछे 100% कंफर्म है कि बोली लगाने वाले होगा। मुजीबुर रहमान के अगर पीछे ये बोली लगाएंगे तो इन्हें काफी आसानी से मिल भी जाएंगे क्योंकि मुजीबुर रहमान की इतनी ज्यादा हाई कंडीशन नहीं है, इतनी ज्यादा ये हाई बोली कोई भी टीम नहीं लगाने वाली है। और गाइस अगर ये 2-3 बार अगर ये हैमर उठा देंगे चेन्नई सुपर किंग की टीम, ये लगभग 1 या 2 करोड़ में इन्हें अपने टीम में आसानी से मिल जाएंगे। और गाइस मुजीबुर रहमान को मैंने पहले भी आपको बता रखा हूँ कि हर कंडीशन में ये अच्छी गेंदबाजी करते हैं। आप इन्हें कभी भी गेंदबाजी करवा दीजिए, ये अपने कप्तान के ऊपर खड़े उतरते हैं। और गाइस इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुजीबुर रहमान एक ऐसे विदेशी खिलाड़ी रहने वाले हैं जिनके पीछे चेन्नई सुपर किंग की टीम दांव खेल सकती है। फाइनली हम लोग बात करने वाले अगले विदेशी खिलाड़ी के नाम के जिसके पीछे चेन्नई सुपर किंग की टीम बोली लगाती हुई नजर आ सकती है। और गाइस इस खिलाड़ी का नाम है ग्लेन मैक्सवेल। हां गाइस ग्लेन मैक्सवेल की अगर हम बात करें तो इस साल इन्हें पंजाब की टीम 100% कंफर्म है कि रिलीफ करने वाली है। और गाइस अगर एक बार अगर ग्लेन मैक्सवेल रिलीफ होंगे तो ये काफी ज्यादा टीमों के रेडार में चढ़ने वाले हैं। लेकिन गाइस इतना ज्यादा टीमें इनके पीछे विश्वास नहीं जताने वाली है क्योंकि इस साल का परफॉर्मेंस जैसा ग्लेन मैक्सवेल का था, 14 मुकाबले खेल गए थे, इनका 100 रन भी बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। और गाइस इसी वजह से यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ग्लेन मैक्सवेल का प्राइस जो कि आईपीएल 2020 में गया था उतना ज्यादा हाई नहीं जाने वाला, ये घट के 5 करोड़ तक भी आ सकता है। और गाइस इसी वजह से यहाँ पे अगर चेन्नई सुपर किंग की टीम अगर दाव खेलती है मैक्सवेल के पीछे तो इन्हें अपने टीम में आसानी से ये रख लेंगे। और गाइस अगर ग्लेन मैक्सवेल की अगर हम बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल अपने आप में ही एक्सपेक्टर खिलाड़ी है। अगर किसी भी मैच में चलेंगे तो अकेले दम पे पूरा मुकाबला पलटने का दम रखते हैं। और गाइस अगर ये धोनी के अंडर कप्तानी खेलते हैं तो ऐसा हो सकता है कि ग्लेन मैक्सवेल काफी ज्यादा इंपैक्टफुल पारी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। गाइस इसी वजह से इसे मद्देनजर रखते हुए ऐसा हो सकता है कि ग्लेन मैक्सवेल हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग की टीम में आ सकते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं अगले खिलाड़ी के नाम की जिसके पीछे चेन्नई सुपर किंग की टीम गोल लगाते हुए नजर आने वाली। गाइस एक विदेशी खिलाड़ी का नाम है मोइन अली या फिर क्रिस मॉरिस में से कोई एक खिलाड़ी। हाँ गाइस अगर मैं बात करूँ इन 2 खिलाड़ियों के नामों की तो यहाँ पे एक खिलाड़ी के पीछे ये बोली लगाते हुए नजर आ सकते हैं। गाइस यहाँ पे काफी ज्यादा संभव चांस है कि ये क्रिस मॉरिस के पीछे बोली लगा सकते हैं। गाइस अगर मैं बात करूँ क्रिस मॉरिस की तो क्रिस मॉरिस भी काफी बेहतर गेंदबाज है और ये भी लगभग 140 के ऊपर गेंदबाजी करते हैं। गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि ये डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी है और साथ में आके लास्ट में आके काफी ज्यादा इंपैक्टफुल पारी भी खेलते हैं। और गाइस वही काम मोइन अली भी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे अगर इन्हें क्रिस मॉरिस नहीं मिलते हैं तो ऐसे में ये मोइन अली के पीछे भी जा सकते हैं। और गाइस मोइन अली ऐसा हो सकता है कि आईपीएल 2021 में काफी अच्छी इनिंग भी खेल सकते हैं। इन्हें ऐसा हो सकता है कि चेन्नई का चेपॉक का स्टेडियम जो रहता है वो सूट भी कर सकता है। गाइस इसी वजह से इन 2 खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी के पीछे चेन्नई सुपर किंग की टीम जाने वाली है, काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन ये रहने वाली है कि ये क्रिस मॉरिस के पीछे जा सकते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं अगले खिलाड़ी के नाम के जिसके पीछे चेन्नई सुपर किंग की टीम बोली लगाती हुई नजर आने वाली है। इस खिलाड़ी का नाम है क्विंटन डिकॉक। अगर मैं बात करूं क्विंटन डिकॉक की तो क्विंटन डिकॉक इस साल ऐसा हो सकता है कि रिलीज हो सकते हैं क्योंकि मुंबई इंडियंस को भी अभी जो कि रिटेंशन पॉलिसी का जो इस साल हिस्सा होने वाला है उसमें हो सकता है क्विंटन डिकॉक का नाम ना आए क्योंकि यहाँ पे 3 खिलाड़ी को ही रिटेन करने वाले हैं जो कि रहने वाले हैं हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा। 1 खिलाड़ी के पीछे ये आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं जिनका नाम है काइरन पोलार्ड। और वहीं पर अगर हम बात करें दूसरा आरटीएम कार्ड जो इस्तेमाल हो सकता है उसके 4 दावेदार हैं। पहले खिलाड़ी का नाम है सूर्य कुमार यादव, दूसरे खिलाड़ी का नाम है कृणाल पांड्या, तीसरे खिलाड़ी का नाम है ईशान किशन, चौथा खिलाड़ी जो दावेदारी पेश कर रहा है वो है क्विंटन डिकॉक। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें 4 खिलाड़ी यहाँ पे एक एक पोजीशन के लिए जो दावेदारी पेश कर रहे हैं तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि क्विंटन डिकॉक थोड़े से वीक दिखाई देते नजर आ रहे हैं। गाइस इसी वजह से यहाँ पे हो सकता है कि क्विंटन डिकॉक रिलीज हो जाएंगे। और गाइस अगर क्विंटन डिकॉक रिलीज होते हैं तो चेन्नई बाय फ्यूचर देखते हुए यानी एक अच्छे खिलाड़ी को अपना कप्तान बनाते हुए भी नजर आ सकती है। क्विंटन डिकॉक कप्तानी भी अच्छी करते हैं और गाइस विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर ये चेन्नई में खेल भी सकते हैं। इसी वजह से ऐसा हो सकता है
कि चेन्नई सुपर किंग की टीम इन्हें अपनी टीम में लेते हुए नजर आ सकती है। सो गाइस फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं अगले विदेशी खिलाड़ी के नाम की, जिसके पीछे चेन्नई सुपर किंग की टीम मोहे लगाती हुई नजर आ सकती है। और गाइस इस खिलाड़ी का नाम है एडम ज़ाम्पा। हाँ गाइस, अगर मैं बात करूँ एडम ज़ाम्पा की, तो एडम ज़ाम्पा के भी लेने के काफी अलग कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि एडम ज़ाम्पा एक लेग स्पिनर है और एक विदेशी लेग स्पिनर है। और गाइस ये काफी ज्यादा अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इस साल भी हमने आईपीएल 2020 में देखा था कि ये बैंगलोर की ओर से एक जितने भी मुकाबले खेले थे, काफी ज्यादा इंपैक्टफुल बॉलिंग की थी। और गाइस लगातार ये विकेट भी ले रहे थे, बॉलर बैट्समैन को छका भी रहे थे। और गाइस इस वजह से ऐसा हो सकता है कि अगर ये चेन्नई की टीम में आते हैं, इन्हें अगर चेन्नई का होम ग्राउंड मिलता है, तो वहाँ पे ये हो सकता है सवा शेर भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये काफी ज्यादा विकेट भी चटका सकते हैं। और ये हो सकता है कि ये इमरान ताहिर के एक अच्छे रिप्लेसमेंट भी हो सकते हैं। क्योंकि गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें एडम ज़ाम्पा की, तो एडम ज़ाम्पा एक काफी अच्छे गेंदबाज है। अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में आप देखेंगे तो इनकी लगातार प्लेइंग 11 में जगह बनती है ODIs और T20Is में। तो गाइस ऐसे में हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग की टीम यहाँ पे एडम ज़ाम्पा के पीछे भी दाव खेल सकती है। और गाइस ये 100% कंफर्म है कि इनके पीछे बोली लगाने वाले हैं। और गाइस ऐसा हो सकता है कि आईपीएल 2021 में हमें एडम ज़ाम्पा चेन्नई सुपर किंग की टीम में देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं आखिरी खिलाड़ी के नाम की, आखिरी विदेशी खिलाड़ी के नाम की, जिसके पीछे चेन्नई सुपर किंग की टीम बोली लगाती हुई नजर आ सकती है। तो गाइस उस खिलाड़ी का नाम है केन विलियमसन या फिर जो रूट में से कोई एक खिलाड़ी। हाँ गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें तो काफी लोगों का कहना है कि जो रूट भी आने वाले हैं इस बार की नीलामी में, जो रूट भी अपना नाम दे सकते हैं। क्योंकि गाइस यहाँ पे जो रूट का नाम लेना काफी जायज है। गाइस अगले साल होने वाला है इंडिया में ही T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। गाइस इसे मद्देनजर रखते हुए, इसे देखते हुए काफी ज्यादा ऐसे खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि टॉप लेवल के खिलाड़ी रहने वाले हैं, वो आईपीएल में अपना नाम देने वाले हैं। क्योंकि गाइस सबको लालच है कि T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो इंडिया में होने वाला है, और इसीलिए हर टीम अपनी टीम को जिताने के लिए, एक अच्छा कंडीशन को भापने के लिए वो आईपीएल 2021 में अपना नाम दे सकते हैं। गाइस इसी लिस्ट में जो रूट का भी नाम आता होगा। अगर केन विलियमसन अगर रिलीव होते हैं हैदराबाद की तरफ से, जो कि कंफर्म लग रहा है, तो गाइस ऐसे में हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग की टीम इनके पीछे दाव खेल सकती है। गाइस वहां पे अगर हम बात करें, अगर यहां पे केन विलियमसन नहीं मिल पाते हैं, तो जो रूट भी एक काफी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। गाइस इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रूट या केन विलियमसन में से कोई एक खिलाड़ी को यहां पे चेन्नई सुपर किंग अपनी टीम में लेते हुए नजर आ सकती है। तो गाइस ये थे वो सभी खिलाड़ी जिनकी लिस्ट मैंने तैयार की। और गाइस इन्हीं 10 खिलाड़ी में से चेन्नई सुपर किंग काफी ज्यादा ऐसा हो सकता है कि फेवरेट हो सकते हैं, जो कि बोली लगाते हुए नजर आ सकते हैं। इन्हीं टॉप 10 जो विदेशी खिलाड़ी के पीछे चेन्नई सुपर किंग की टीम बोली लगा सकती है। फाइनली आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन कौन से खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि चेन्नई सुपर किंग की टीम में आई जाएंगे। दोस्तों आपकी क्या राय कमेंट करिएगा, वीडियो फन लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ।